शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनवीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। मध्य प्रदेश में ट्रांसपोर्टरों के हो रहे आंदोलन पर नागपुर के परिवहन सेवा के कई संस्थापकों ने अपने विचार साझा किए हैं। उनका कहना है कि जब एक राष्ट्र एक है, अखंड भारत है, तो सभी परिवहन पोस्ट के लिए एक सा कानून क्यों नहीं? राज्य के हिसाब से ट्रांसपोर्ट के कानून अलग क्यों? सभी ट्रांसपोर्टरों के संचालक ने सरकार से एक देश एक कानून बनाने की मांग की है। जॉइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष प्रहलाद अग्रवाल का कहना है कि एक चेक पोस्ट पर चालान कटने के बाद दूसरे राज्य के चेक पोस्ट पर चालान काटा जाता है, जिससे ट्रक चालक और मालक को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। एक बार चालान कटने पर वो सभी राज्यों में लागू होना चाहिए। प्रहलाद अग्रवाल ने कहा, यदि इस तरह का भ्रष्टाचार नहीं रोका गया तो इसे रोकने के लिए तीव्र आंदोलन किया जाएगा। मेरी सरकार से पक्ष और विपक्ष में जो भी हैं और जो भी लोकल पार्टियां हैं, जो भी पार्टियां हैं, मेरा उनसे ये पूछना है कि हम भारतवर्ष को एक समझते हैं कि स्टेट वाइज हम भारत के टुकड़े समझते हैं। मेरे को उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो पब्लिक को बताए, अखंड भारत बोलते हैं, हम भी कहते हैं अखंड भारत होना चाहिए। तो जब कानून एक है, संविधान एक है, हमारा तिरंगा झंडा हर जगह के लिए एक है, तो ये स्टेट वाले अपनी अपनी क्यों चलाते हैं? तो ये सेंट्रल लेवल पे ही क्यों नहीं डिसाइड होना चाहिए? जैसे दो चीज़ों के लिए उन्होंने डिसाइड किया है, एविल के लिए किया है, नेशनल परमिट के लिए किया है, तो वो इसके लिए क्यों नहीं करते? और जगह जगह पे चेक पोस्ट बनाए हैं जिससे कि सरकारी ऑफिसर पैसा इकट्ठा कर कर कहाँ पहुँचाते हैं, कैसे पहुँचाते हैं, जिसका कि कोई हिसाब कुछ नहीं है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर इस चीज़ को ख़त्म करना है तो जहाँ गाड़ी लोडिंग होती है, जहाँ एविल बनता है, और जहाँ एविल बनता है उसी में एक क्लोज अलग से लगा दिया जाए कि भाई जो माल भरा है वो ओवरलोड है, ओवर हाइट है, ओवर डायमेंशन है, कैसा है, जिससे कि उसका ऑनलाइन चलान उसी स्टेट में हो जाए और किसी दूसरे स्टेट में न रोका जाए, क्योंकि भारतवर्ष एक है। भारतवर्ष को एक बनाने के लिए पहले हमको अपने विचार एक बनाने होंगे, जिससे कि हम भारत के लिए, हर आदमी को भारत के लिए काम करना है, न कि अपने पर्सनल के लिए। पर्सनल काम करना है और भारत को पहले सम्मान देके फिर अपना काम करना है। मेरी जो भी विपक्ष पक्ष और जो भी पार्टियां हमारा इसमें सहयोग करना चाहती हैं, सबका वेलकम है। सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया करूँगा कि वो हमारे इस अभियान में हमको मार्गदर्शन दे, रास्ता बताएं, जिससे कि अखंड भारत जो हम बोलते हैं, बोलते सभी हैं, उसको करके दिखाएं। जय हिंद, जय भारत। आपके ये टीवी चैनल के माध्यम से मैं ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूं, जो कि हमारे ज्वाइंट एक्शन कमेटी के प्रहलाद जी ने भी बताई है, भाईचारा से नरेंद्र मिश्रा जी ने भी बताई है, और ये बात इतनी सच है कि भारत एक है तो उसके कानून प्रदेश के हिसाब से अलग अलग क्यों है? हमारा ट्रांसपोर्ट सिर्फ ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए ही अलग क्यों है? ये क्वेश्चन काफ़ी सालों से उठा आ रहा है, जिसका जवाब ना तो कोई पार्टी के पास है, चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो। इसके पीछे का क्या कारण है ये अब जनता भलीभांति जानती है कि इसका निराकरण क्यों नहीं हो रहा है। कोई भी नियम कायदे कानून बनाते हैं तो वो पब्लिक की हित के लिए होते हैं या फिर गवर्नमेंट ऑफिसर के भ्रष्टाचार करने के माध्यम के लिए होते हैं। जैसे कि राजस्थान में अभी इतना चालान की बढ़ोतरी कर दी है कि ट्रक इंडस्ट्री पूरी फेल हो रही है। अब वो अगर इतना चालान बढ़ाया है तो वो कोई भी गाड़ी मालिक इतना पैसा भर नहीं सकेगा, इसलिए वो बोलेगा कि हाँ भाई चलो 2000 ले लो, 5000 ले लो और गाड़ी को जाने दो। तो वो सरकारी कर्मचारी की भ्रष्टाचार को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार ने ये कदम उठाया है। बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये हकीकत है। इतना परेशान अभी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री हो गया है कि जिसके बारे में कोई भी सरकार सोच नहीं रही है। ऊपर सरकारें चेंज होती जा रही है लेकिन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के नियम में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आने वाले 4 दिन बाद 15 अगस्त है, तो सरकार, हमारी कमेटी, जॉइंट एक्शन कमेटी भी ये एक प्रोग्राम करेगी, जिसके बारे में उस दिन आपको पता चलेगा कि
क्या इसमें हम बेस्ट कर सकते हैं सरकार के लिए या ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के लिए, और सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है। तो जल्द से जल्द हमारी सरकार से हाथ जोड़ के विनंती है कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री के बारे में कुछ अच्छा सोचे ताकि देश की तरक्की हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज हमारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय जिस हालात से गुजर रहा है, किसानों से भी ज़्यादा बदतर हालत गाड़ी मालिकों की, चालकों की हो चुकी है। और उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो इंटर स्टेट बॉर्डर्स पे जो चेक पोस्ट लगाई गई हैं, वो टोटल लूट के अड्डे बन चुके हैं, भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। जब इस देश में एक संविधान है तो स्टेट वाइज बॉर्डर्स का मतलब क्या है? और अगर स्टेट वाइज बॉर्डर्स रखने भी हैं हर स्टेट को, तो हमारा ऐसा कहना है कि गाड़ी जहाँ से लोड होती है उसके नज़दीक में, आज नागपुर से गाड़ी लोड होकर किसी भी स्टेट में अगर जा रही है, तो पहला जो स्टेट बॉर्डर उसको पड़ता है नागपुर से निकलने के टाइम पे महाराष्ट्र का, उसी बॉर्डर पे गाड़ी के अंदर माल के अंदर अगर कोई फॉल्ट है, कोई कमी है, तो जो भी चालान किया जाना चाहिए वो एक स्टेट उसको कर दे और वो सेंट्रल लेवल से हो, उसके बाद में अनलोडिंग पॉइंट तक गाड़ी को ना रोका जाए। जैसे GST है, ई वे बिल है, एक जगह से बना अनलोडिंग पॉइंट तक वो काम करता है। इन बिटवीन ये जो स्टेट बॉर्डर्स जो लगाए गए हैं, मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ कि ये गाड़ी मालिकों का शोषण करने के अलावा और कोई काम नहीं करते। जगह जगह प्रशासन जो है बॉर्डर्स के नाम पे लूट मचा रखी है, गाड़ी वालों का जीना हराम हो चुका है। लेकिन धीरे धीरे भी जो क्रांति आ रही है, कई स्टेट से ऐसे ऐसे समाचार मिल रहे हैं कि फलाना RTO मिल गया तो गाड़ी वालों ने उसका विरोध किया, तो इसका सोल्यूशन सबसे बड़ा एक ही है कि सेंटर को एक ऐसी पॉलिसी लेके आए गाड़ी वालों के, कि जहाँ पर भी इसे गाड़ी लोड हो रही है, जो उसके अंदर फॉल्ट है, उसका एक सेंट्रल लेवल का एक मेमो बनाया जाए, उसके बाद उस गाड़ी को रास्ते में कहीं ना रोका जाए। परिवहन डिपार्टमेंट आज हर तरह बॉर्डरों पर गाड़ी का जो हाइट और ODC बॉडी का हर बॉर्डर पर चलान हो रहा है, वो हर जगह न होकर के सभी स्टेटों का एक ही जगह सेंट्रलाइज चलान कटना चाहिए। एक ही बॉर्डर पर चलान कटने के बाद गाड़ी आगे किसी भी बॉर्डर पर किसी भी स्टेट में गाड़ी को रोकना नहीं चाहिए। इससे गाड़ी वाले का टाइम भी बचेगा, गाड़ी का जो ईंधन है, डीजल की खपत है, वही भी बचेगा, और आगे चल के गाड़ी वाले को कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी। हाइट का हो गया, ODC गुड्स हो गया और ओवरलोड का होगा, किसी भी एक बॉर्डर पर जहाँ से गाड़ी स्टार्टिंग होती है वहीं स्टार्टिंग में जो बॉर्डर आता है उस बॉर्डर को पर इसका चलान कटना चाहिए, न कि सभी बॉर्डरों पर चलान कटना चाहिए। एक देश एक कानून, जैसे परिवहन डिपार्टमेंट का सेंट्रल गवर्नमेंट का जो कानून है, उस सेंट्रल गवर्नमेंट का परिवहन डिपार्टमेंट का हर जगह एक ही कानून बनेगा ना, एक देश में दो दो कानून कैसे बनेंगे? हमारा मानना है कि एक देश एक ही कानून होना चाहिए। आज जो ये भारत में कानून व्यवस्था चल रही है, वैसे भारत के अंदर में कानून व्यवस्था एक होनी चाहिए। परिवहन मंत्री जी, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी बार बार बोलते हैं, मगर वो चीज़ लागू नहीं होती है हिंदुस्तान में। हर स्टेट में जाते अलग अलग कानून बताते हैं, ये गलत है। ओवरलोड का चलान है तो एक बार ऑनलाइन फट गया तो वो सब स्टेट में लागू होना चाहिए, मगर ये चीज़ें सरकारी RTO नहीं मान रहे हैं, तो इस पे कठोर कदम उठाना चाहिए। हमारी सरकार से यही मांगा है कि जो भी फाइन है स्पॉट फाइन करके उसको रास्ते में बार बार हर ये स्टेट में ड्राइवर को और मालक को तकलीफ नहीं देना चाहिए, कानून एक होना चाहिए। अभी RTO जो हर जगह हर स्टेट में अलग अलग फाइन ले रहा है, उसके लिए हमारे अग्रवाल जी जॉइंट एक्शन कमेटी के अग्रवाल जी ने जो बातें रखी हैं वो विचारनी है। हर स्टेट का, जैसे महाराष्ट्र का है, महाराष्ट्र में भी फिलहाल सेंट्रल का नहीं लागू हुआ है, इसके लिए यहाँ फ़ाइन कम है, बाकी स्टेट में फ़ाइन ज़्यादा है। फ़ाइन एक ही जगह लगना चाहिए और हर ट्रांसपोर्टर को ये पता होना चाहिए कि कितना लगता है। और महाराष्ट्र में, जैसे महाराष्ट्र में अपने को ऐप में, इसमें पुलिस के, ट्रैफिक पुलिस के ऐप में पता चल जाता है कि किसका कितना फ़ाइन हुआ है। जैसे वो डाला लंबा हुआ, उसका महाराष्ट्र में फ़ाइन सिर्फ 1,000 है, लेकिन वही अदर स्टेट में चले जाओ तो वही फ़ाइन छत्तीसगढ़ या उड़ीसा, वहाँ 10,000 हो जाता है। तो वो फ़ाइन हर जगह एक ही होना चाहिए। और मेरी तो केंद्र सरकार से ये विनती है कि फ़िलहाल कोरोना काल में आर्थिक महामारी जो फैली हुई है और उसकी वजह से जो हम लोग को आर्थिक तकलीफ़ें आ रही है, उसमें फ़ाइन को कम से कम, या तो अगर 1 साल के लिए टाल दे तो बहुत अच्छा है, नहीं टाल सकते तो कम से कम 50% की ट्रांसपोर्टरों को राहत दी जाए ये इसमें, और 1 साल तक न फाइन लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं तो ये ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, जैसे ही अगले महीने मॉरेटोरियम ख़त्म होगा, इंस्टॉलमेंट चालू होंगे, पेपर चालू हो जाएंगे सबके, तो बहुत तकलीफ़ आने वाली है।
क्योंकि गाड़ी वाले एक साथ इतना पैसा नहीं भर पाएंगे। ऊपर से बैंक ब्याज पे ब्याज लेने वाले हैं, चक्रवृद्धि ब्याज लेने के लिए तैयार हैं। मतलब अगर आपका एक इंस्टॉलमेंट टूटा है, वो आप जिस दिन क्लियर आपने मॉरेटोरियम नहीं दिया, वो आपको शायद एक इंस्टॉलमेंट आपका दो इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन चीज़ों पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ध्यान देना चाहिए। साथ ही 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर एक कोरोना बचाव शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें संस्थापकों ने 100 सैनिटाइजर किट वितरित करने का लक्ष्य रखा है। यह किट लॉयंस क्लब ऑफ गोंडवाना के अध्यक्ष प्रमोद नक्सलवार के हाथों वितरित की जाएगी। इस शिविर का आयोजन भाईचारा राजमार्ग परिवहन सेवा, जॉइंट एक्शन कमेटी, लॉयंस क्लब ऑफ गोंडवाना और शिवाजी वाहन चालक एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है, जिससे कोरोना महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। NBCN के लिए सुनील शेट्टी के साथ दीपिका धनेश्वर की रिपोर्ट।